वालेकुम इवर, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट में मैंने आप ये दिखाया है कि ये जो जख्म है, इस तरह के जख्म के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन सी ट्यूब इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलें आज आपको उस ट्यूब के बारे में बताते हैं कि ऐसे जख्म हों तो आप इस पे क्या लगा के अपना जख्म बचा सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई और जख्म हो तो उसको कैसे बचा सकते हैं। ये आप ऑइनमेंट देख रहे हैं, हेलेट के स्किन ऑइनमेंट है। ये चोट, छोटे जख्म और जलने से फौरी आराम करवाती है। अगर आपका जख्म जला हुआ है, जल गया है और उससे निशान पड़ गया है, और अगर आपका जख्म कोई भी छोटा मोटा है या कट का निशान है या इस तरह का कोई भी निशान लग गया है, तो आप ये ऑइनमेंट इस्तेमाल करके, अटको फार्मा की ऑइनमेंट है और ये बहुत ही कम प्राइस में है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये जख्म से फौरी निजात आएगी। ये दिन में 1 से 3 मरतबा इस्तेमाल करनी होती है, और उसके बाद आपने किसी साफ पट्टी से, जरासीम से बचाने के लिए साफ पट्टी से ऊपर से डांप लेना है। जख्म की कंडीशन के मुताबिक वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा और पूरी बताएगा। और इसके साथ कुछ ऊपर भी लिखा हुआ होता है, दर्द की कमी के साथ जले कटे जख्मों के फौरी आराम के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो इसी से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि किस मतलब ये इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको किसी किस्म का जख्म है या आपको ये इसमें चोट लगी हुई है या जल गया है किसी चीज़ से, तो आपको आराम नहीं आ रहा, तो दर्द हो रही है, तो आप ये क्रीम इस ऑइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, आपको लगाने के बाद फौरी आराम आएगा और पुरसकून सकून सा फील होगा। तो ये आपने, अगर आपको इस तरह के मामलात हैं तो आपने इस्तेमाल करनी है लाजमी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।